राम के राज्य में क्या होता था पता है? शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे। आज क्या है? ये राम राज्य है। राम का पूरा नाम बता दीजिए अंकल जी, पूरा नाम। बलात्कार सबसे ज्यादा हो रहा है बीजेपी राज्यों में, ये राम राज्य है। राम का पूरा नाम बता दीजिए, ढिंढोरा पीट रहे हो या बीजेपी क्यों चुनी? एक नाम नहीं, सैकड़ों नाम से जाने जाते हैं। जिसकी जैसे आस्था होती है वैसे होती है। आपकी आस्था राम में है नहीं, हमारी आस्था राम में है। अरे इधर बोलो, अरे मैडम इधर करो, वही वही बात। उसे रोते रहेंगे कांग्रेस तो थूक दे पब्लिक ना, बीजेपी की बात करो खाली। राम राज्य कह रहे हैं, राम राज्य में महंगाई है, गरीबी कैसे? राम राज्य में ना कोई महंगाई है ना कोई गरीबी है, सुकून की जिंदगी सब जी रहा है। सुनो, सुकून की जिंदगी जी रहा है, तभी गांव से लेकर के शहर तक मोदी जी के साथ जनता है। अगर नहीं होता ना तो 14 में जीते 19 में हार जाते, लेकिन 19 में भी जीते, ये राम राज की पहचान है। और फिर 24 में जीतेंगे, अब है राम 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 राज्य की जीत से राम राज्य की पहचान कैसे? मोदी जी की जीत से इसलिए रामराज की पहचान है कि मोदी जी के शासन काल में लोगों ने सुकून के जिंदगी जिया है और आगे भी जिएगा, इसलिए मोदी जी को पसंद करते हैं। कह रहे मोदी जी के राज में सुकून की जिंदगी, जिंदगी कैसी कैसी जिंदगी? बात करो तो सुकून की जिंदगी कहाँ से जियोगे? खुले हाथ में बात करो, मेहनत करके आओ, काम करके आओ, सुकून की जिंदगी जियोगे? नहीं तो करो ना, तो फिर ऐसे पढ़ाई में बच्चों पढ़ा लोगे अपने? 10,000-12,000 नौकरी बच्चे पढ़ा लोगे? कितने रोज है यहाँ पे लोग जो 1,000 रुपए कमा के ला रहे हैं? अरे मेरी छोड़ो ना, यहाँ जो बैठे हुए 1,000 रुपए रोज कमा रहे हैं, 2,000 रुपए रोज कमा रहे हैं। अपने आप को देखो, गरीबों को देखो। आप दिल्ली में किस जगह रहते हो? ये तो अपने अरे आप दिल्ली में किस जगह रहते हो? भजनपुरा में कैरो सवारी लगती है भजनपुरे की, चाहे 50 रुपए लगो अपने। हम व्यय करते हैं, कमाते हैं, हम व्यय करते हैं। आप नहीं कमाओगे तो नहीं व्यय करोगे, घर में रहोगे। ये भाई साहब सवारी बन गए जाते, ऑटो चलाता हूँ मैं, 20 रुपए तो देते नहीं है, 50 की बात। ले लो माता गिलगिला भैया, 10 ले लिए माँ भी क्या, 50 का नोट ले, तो 20 लग रहे हैं तो मोदी जी देंगे बाकी पैसे। मिला जुला के बात है कि विपक्षहीन हिंदुस्तान हो गया। आज विपक्ष को मोदी जी ने खुल के कहा, जो आओ सकारात्मक बात करो, हमारे बीच में आओ, सकारात्मक देश सोच, देश में अच्छी बात व्यवस्था एक हो गए। और कुछ ही दिन भी नहीं, 6 महीने के अंदर डाल डाल पर सारे चले गए। और हिंदुस्तान की जनता ने देखा, ये जितनी पार्टियां हैं सब हिंदुस्तान को लूटने वाले हैं। अच्छा। एक सिर्फ राहुल गांधी को न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी न्याय यात्रा अगर होती, वो न्याय यात्रा निकाल लेते हैं, वो कांग्रेस की अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और अगर न्याय यात्रा निकालते तो पहले अपने गठबंधन पर न्याय करते, अपने गठबंधन को न्याय करके सबको देते, सब सम्मान देते, सबको बुलाते, सीट बंटवारा करते, तब होती है न्याय यात्रा। न्याय यात्रा शुरू कर रहे हो, गठबंधन भाग रहा है इधर, कोई भाग रहा है उधर, क्या लगता है? कह रहे न्याय नहीं है, न्याय यात्रा। न्याय यात्रा बातों की राहुल गांधी, बातों की काली, तब बीजेपी के साथ सत्ता बातों की हटने लायक हो गया, तब और बीजेपी तो डर गया राहुल गांधी से, तो इसको पार्टी का तोड़ने लग गया बातों की बीजेपी ने। हाँ तो क्या करेगा भाजपा वाला, भागने के चलते इनको मौका नहीं मिल रहा है, तब पार्टी के बताओ कि तुड़े चल रहे हैं, खाने के रोटी ना मिल रहा है, तब पानी भी ना बताओ कि देश के लूट लिए। हाँ लूट के बताओ कि अपना जेबी भर लिए, का समाज में बतियाएंगे? जनता तो कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के साथ तो खाली हाथ है। वो क्या देश के संभालेगा, चाहे बताओ कि लड़ेगा? लड़ने लायक नहीं है, पानी पानी में डूब जाएगा, बाकी बीजेपी के ऊपर नहीं खिलना देगा, फूल फूल रह जाएगा, गंदा पानी में गिर जाएगा, बाकी कांग्रेस पंचायत दम खिलते रह जाएगा। ये बीजेपी शर्म के मारे देखो मुंह के दांत तोड़ लिए हैं, बाकी दूध नहीं पिए हैं। हाँ राहुल गांधी आज जीतेगा तो मोदी का बदला करके दिखा देगा, गंगा के पानी पर सोना बनाएगा, गंगा के पानी पर सोना बनाएगा। बीजेपी क्या हार मानेगा, झूठ बोलते बोलते इनको जिंदगी गुजर गया, झूठ बोलते बोलते जिंदगी गुजर गया, बाकी समाज में ही मिल कर नहीं रहे हैं, लट खाए हैं, भागे हैं, चोरी करे हैं। हाँ अब तो यही काम कर रहे हैं, बताइए देखिए रोजगार कितना है, बेरोजगार इतना है कि कमर टूट है, महंगाई इतना है, केजरीवाल कितना दबाव दे रहे हैं, ये बातों सत्ता आ जाएगा सातों के सातों। केजरीवाल एकदम सत्ता में जीतेगा,
इनके दम उठा के ले जाएगा, घर से उठा के ले जाएगा, अरे घर से उठा के ले जाएगा। अरे अब तुम्हारा मान्यता नहीं है, राहुल तो जिंदा है, राहुल तो जवान है, राहुल तो जिंदा है। उसकी इतनी हैसियत है, असम में चला, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि जो रोड निर्धारित कर दिया हूँ उस रोड से चले जाना, अगर हमारे बीच में मार्ग हमारे जिस रोड पर में हमारे सारी व्यवस्था है उस पर में आओगे, उस पर आओगे तो मुकदमा दायर होगी। और रही बात इसके आज काम गिनवाइए, बीजेपी ने क्या काम करना है, सबसे पहले तेरे मुंह में रोटी दे रहा है, जो घूम रहा है ना वो रोटी दे रहा है, मोदी दे रहा है। नंबर दो, चल नंबर दो सुन, नंबर दो मकान बनाने के लिए पैसे तुम्हें दिया, मकान बनाने के लिए पैसे दिया तो लिया। देखिए कांग्रेस के राज में कितना 10 रुपए में आदमी खाना खाता था, राज करता था। हाँ बीजेपी के राज में देखिए 100 रुपया का बताओ खाना खा रहा है तो पेट नहीं भर रहा है, ये बताओ भूखे हैं। आज कांग्रेस के राज में 10 रुपए में खाना खा के हाँ घर बचा के अपना घर चलाता था, बाकी इनको सब सबूत नहीं है, कांग्रेस के ढूंढ रहे हैं, हाँ सत्ता ढूंढ रहे हैं। अरे शर्म कर लो, शर्म कर लो, 10 रुपए पे खा के भी पेट भर लेता था। इसकी हर दूर हटवाते, इसकी बौखलाहट बता रहा है कि ये कितना परेशान है, क्योंकि इसे काम तो करना नहीं, काम करना नहीं, और सारा दिन मोदी को गाली देना, मोदी को हवा बन गया है, जीतेगा नहीं, भागेगा इसे कि खाद का वो चनो तोड़ के और नजर नहीं आएगा पूरा हिंदुस्तान के, हाँ इंडिया गठबंधन एकदम जोड़ेगा, हाँ एकदम एकदम तैयारी हो गया है, हाँ एकदम तैयारी हो गया है, हाँ इनकी खाद का वो चन तोड़ के भागेगा बीजेपी तो नजर नहीं आएगा, इंडिया गठबंधन कह रहा है इंडिया गठबंधन हराएगा, यह कह रहा है टूटेगा यार, इंडिया गठबंधन आने से पहले बिखर गया तो आएगा क्या। बातों की बीजेपी ने डर गया, नीतीश कुमार के पलटू लाम बना के अपना में ले लिया, हाँ डर गया, बातो जेल जाने के लिए जेल जाओगे, जेल जाओगे, जेल अमित शाह मोदी जेल जाओगे, 2024 के चुनाव होने दो, लाल किला पर तुम आके बात नहीं करोगे, भागोगे पीछे 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 के खूबिया से, अरे पीछे पीछे बीजेपी में आ रहे हैं, नहीं आओगे राहुल गांधी पता है बिहार में ऐसी चोट पड़ेगा, बिहार में ऐसी चोट पड़ेगा नीतीश कुमार के कि मोदी हुआ बात नहीं करेंगे, लाल किला में झंडा नहीं दिखाएंगे। चोट देने सुनो, चोट देने वाले को सीबीआई और ईडी के शिकंजे में है, जा देख ले, शिकंजे में है और शिबु सोरेन भी है। आवाज में दम तक करो, बात में दम नहीं चाहिए, आवाज में दम करो, आवाजों में दम करो, बात में दम नहीं। क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? कमल खिलेगा जी, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, नहीं खिलेगा, अरे कमल का फूल तो गंदा होकर नीचे गिर गया, हाँ बखड़ा गया, देखो आएगा दिल्ली में झाड़ू एकदम चमकेगा, चमकते आएगा।